गोंदिया जिले से सटे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा नदी के किनारे दो दिन पहले 50 गायों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जिला बंदी की घोषणा की तरह ही गोंदिया में भी यह घटना देखने को मिली है और आज गोंदिया जिले में भी बड़ी संख्या में लोगों ने एकजुट होकर इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति ने तहसीलदार के माध्यम से कहा कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उन्हें पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साहब जानते हैं कि दो दिन पहले मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 50 गौ माता के शव मिले। अलग अलग क्षेत्रों में वैनगंगा नदी के तट पर ये सब शव प्राप्त हुए और जब गोंदिया श्री कृष्ण गौरक्षण सभा को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तब हमने इस बात को उठाना अपना दायित्व समझा और आज मूक मोर्चे के माध्यम से, एक शांति प्रिय मोर्चे के माध्यम से अपना विरोध दर्शाते हुए गोंदिया के जागरूक नागरिकों ने, गोंदिया की सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर गौप्रेमी उपस्थित हुए हैं, सब शोक संतप्त हैं और भारत की राष्ट्रपति महोदया से हमने ज्ञापन के माध्यम से इस बात की मांग की है कि दोषियों को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक संदेश पूरे भारत में प्रसारित हो, पूरे विश्व में प्रसारित हो कि गौ माता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।